आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के तहत मतदान होगा। जैसे जैसे मतदान का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार ने गति पकड़ना भी शुरू कर दी। आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी नसीम अख्तर इंसाफ ने ग्राम लेसवा, रामपुरा नांद, चावंडिया, कोठी, बासेली सहित विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नसीम अख्तर का विभिन्न स्थानों पर गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन किया गया। खास बात यह रही कि महिलाओं ने गर्मजोशी के साथ नसीम अख्तर का जहां स्वागत किया, वहीं आधी आबादी ने नसीम अख्तर को अपना पूर्ण सहयोग व समर्थन देने की बात कही। ग्रामीणों ने बताया कि नसीम अख्तर पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। ग्रामीणों ने कहा कि नसीम अख्तर इंसाफ लगातार क्षेत्र में आती है तथा वह क्षेत्र में जन्म मरण परण कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आना नहीं भूलती। ग्रामीणों ने कहा कि नसीम अख्तर को वह अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि नसीम अख्तर तो उनकी बेटी है, वह अपनी बेटी को वोट देकर विजयी बनाएंगे। नसीम अख्तर ने भी पूरे प्यार और स्नेह से ग्रामीणों का अभिनंदन स्वीकार किया। जनसंपर्क के दौरान नसीम अख्तर ने काफी समय तक ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी जन समस्याओं को सुना तथा उनके समाधान का आश्वासन दिया। नसीम अख्तर ने अपने संबोधन में वर्ष 2008 में जब वह विधायक थी उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को बताया। साथ ही नसीम अख्तर ने कांग्रेस सरकार के दौरान क्षेत्र में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी भी क्षेत्रवासियों को दी। जमुना माता की, बेदाजी महाराज की, ज्योतिबा फूले की और गांव के सभी मेरे बुजुर्गों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज हम लोग चावंडा गांव में आपसे वोट मांगने आए और मेरे साथ पधारे हुए रंजीत रावत जी और कमलाजी जी, भाई रामखंड गुर्जर जी, पूनम भाई बैठे हैं, गोपाल जी रंगेर भी हैं, भाई गोपाल तिलोनिया जो निगम महासभा के अध्यक्ष भी हैं और भाई वकील साहब और हमारी जो बहन ज्योति खन्ना जो हिमाचल से चलते ही भारत यात्री है, पूरे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये चलिए और ये मेरी बहन है इसलिए मेरा चुनाव प्रचार कर रहे हैं हिमाचल से। हमारी बहन कौशिक नागोरा जी और बहन संगीता नागोरा जी, भाई रोहित पूनम जी, नई मंडल के सभी पदाधिकारी गण और गांव के सब मेरे बुजुर्ग आप सबको पता है कि 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव है और आज आकर की बेटी अथा की बाप का वो वोट मांगवा नहीं तो बेटी आती तो कुछ ना कुछ मांगती रहते। मैं तो मांगने आई हूँ, वोट मांगने आई हूँ और आप सबसे अपील करने भी आई हूँ कि आप सब लोग वोट और आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजें ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। आज हम लोग सुबह से लेट हो गए क्योंकि सुबह जब मैं घर से निकली उससे पहले राहुल जी का फोन आ गया कि भाई मैं एयरपोर्ट आ रहा हूँ तो मिलने आऊ। मैं एयरपोर्ट राहुल गांधी जी से मिलने चली गई इसलिए मैं आप सरकार की योजना चलाई छुपड़ी बोली फिरी 2000 चौड़ा सब खेती है भाई सब खेती करे कोई फूल उगाए कोई गोभी उगाए कोई मिर्चा उगाए कोई आम उगाए सब खेती करे कोई सब्जी उगाए तो सब खेती वाला भाई तो 2000 गलो सप्ताह की बेहतरी कर दी उनकी जात जात हमारे खुला कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने वोट निकाली है 25 तारीख का वोट है और नसीम अख्तर को चुनाव चिन्ह हाथ है। नसीम अख्तर की फोटो आए 3 नंबर पर बटन आए और सामने वाला बटन दबा और कांग्रेस पार्टी ने जिता दिया। आप सबने बताया कि कांग्रेस को शासन में जल और साफ काम में कमी को रखी एक कमी रखेगी चाहे खेती के किसानों की बात हो चाहे मजदूर की बात हो चाहे की बात आती है और भाई मैं भी तो था हम कभी रखेंगे शादी मौत मुलाकात जटिल गुनाओं बने हाजिर अब थाने एक काम और करना है जीतते ही मगर पट्टा बनाने डरे पट्टा नहीं बनाए अरे पहले के भी बनाए पट्टा बनाए
पार्टी भी ने कांग्रेस को टिकट दी है 10 साल में बीजेपी दुर्दशा कर दी है। बीजेपी एक काम नहीं करायो नशी मुक्त तो कांग्रेस पार्टी ने जिताओ। कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है। मैंने आला कमान है नहीं, आला कमान में खड़गे साहब भी है, राहुल गांधी सोनिया गांधी भी है, सचिन पायलट भी है, भी अशोक गहलोत आरा मिल टिकट दियो है कि टिकट में कामयाब करवा दो। सब लोग जितान भेजो पहली 2008 का काम करे भी उन्होंने काम करे। नसीब मक्कर मार दे अपने मार दे पर मारी कलम में शहीद को करने बढ़नी पेड़ी कलम में ताकत मार देनी पेड़ी ताकत क्या कलम में ताकत है कोठा के रूप में शहीद बढ़नी पेड़ी। अरे वोट में तो एक ही दिन मांगू 5 साल सेवा करा 5 साल सेवा करा मैं तो एक दिन मांगा वोट दो कांग्रेस का। और आप ये तो सुनो आज तक इतिहास में तो काम नहीं कांग्रेस ने किया। कामों को देखकर कांग्रेस को लाओ और देश बचाओ। आज हम ग्राम पंचायत चौंडिया आए हैं, यहाँ पर नसीम अख्तर जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो यहाँ पर प्रचार कर रही है। नसीम जी किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है आपको? ये माहौल आप ही देख रहे हैं। अभी नांद में आते आप नांद में आते युवाओं ने ट्रैक्टर की लाइन लगा दी थी। मैंने तो कभी जिंदगी में ट्रैक्टर पर बिठा कर वो गाँव में ले गए, ऐतिहासिक स्वागत किया और उसके बाद रामपुरा में गए वहाँ ऐतिहासिक स्वागत। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं सब लोगों का ये हुजूम देख रहे हो, ये युवा उमड़ कर आ रहा है, ये बुजुर्ग आशीर्वाद देने पधार रहे हैं। तो कांग्रेस को इस बार जनता ने मन बना लिया है, 36 कौम ने मन बना लिया, बुजुर्गों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने मन बना लिया कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जरूर आशीर्वाद देंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का MLA बनेगा, ये आशीर्वाद जनता दे रही है। मैडम 10 साल से पुष्कर जो क्षेत्र है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, 5 साल यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार रही है, क्या विकास में आप अंतर देखते हैं पुष्कर को लेकर? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष तो जनता देख रही है, प्रमाण आने वाले समय में चुनाव में जनता इनको दे देगी। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका कितना लाभ मिलेगा? किस प्रकार की योजना है? सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। किस प्रकार की योजना? महंगाई राहत शिविर में पहले 100 यूनिट घर की फ्री, 2000 कृषि की फ्री, 500 में उज्ज्वला का सिलेंडर, अन्नपूर्णा के राशन किट दे रही, रोडवेज की बसों में हमारी माता बहनों को किराया आधा दे रही, अब 7 गारंटी सरकार और दे रही, सिरिंजी में 25 लाख का इलाज, लोगों को घर गहने बेच के इलाज कराना पड़ता था, माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने ऐसी योजना लेकर आए, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा कराया, इसमें लोगों 25 लाख का इलाज सरकार मुफ्त कराई, 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा, अब 7 गारंटियां और लेकर आ गए गहलोत, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, कंप्यूटर शिक्षा से बच्चों को जोड़ेंगे, इंग्लिश माध्यम के स्कूल और खोलेंगे, यहाँ तक कि ओल्ड पेंशन स्कीम का कानून, OPS का कानून बनाया जाएगा। तो सरकार ने तो काम में कमी नहीं, यहाँ तक कि हमारी माँ बहनें हैं इनको मोबाइल भी दिए, मोबाइल के साथ साथ माँ बहनों को अब 10,000 रुपए सालाना खाते में आएंगे, ये 7 गारंटियां हैं जो हम जनता के बीच में ज्यादा के मिस कॉल भी दिला रहे हैं ताकि जनता उस योजना से जुड़े 7 गारंटियों से और उनका लाभ ले, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता इस बार कांग्रेस को आशीर्वाद दे। मैडम एक सवाल हो रहा है कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें अक्सर जो पार्टियां होती है विकास के नाम पर निकल सांप्रदायिक और धार्मिक आधार को मुद्दा बनाती है, ये क्या कहेंगे इस पर आप? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और इस बार जनता ने मन बना लिया, इन सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देश क्षेत्र की जनता देगी। मैं 36 कौम की बेटी हूँ, 36 कौम की सेवा करती हूँ, 36 कौम के साथ रहती हूँ और 36 कौम को साथ लेकर चलने का प्रयास करती हूँ, चाहे पुष्कर राज की सेवा की बात हो, चाहे रूपनगढ़ तहसील में काम की बात हो, चाहे स्कूलें खोलने की बात हो, चाहे 48 करोड़ 36 लाख के पुष्कर सरोवर की खुदाई की बात हो, 11 करोड़ अभी मुख्यमंत्री जी से लाकर स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट लाने की बात हो, चाहे JJM योजना से पैसे सेंक्शन कराने की बात, चाहे रोडे बनाने की बात हो, चाहे SDM पुष्कर खुलाने की बात हो, चाहे तहसील पुष्कर खुलाने, चाहे
रूपनगढ़ तहसील खुलाने की बात हो, चाहे रूपनगढ़ में एसडीओ खुलाने की बात हो, चाहे कॉलेज खुलाने की बात हो, पुष्कर में, रूपनगढ़ में कृषि मंडी खुलाने की बात हो, बिजली और पानी के रूप में सुदृढ़ की बात हो, 36 कौम और 36 वर्ग को साथ लेकर चलने की बात, नसीम अख्तर 36 कौम की बेटी, इस बार इसका जवाब जनता देगी। और मैंने कार्यकर्ताओं को कहा, ऐसी भ्रामक जानकारी अगर ये फैलाते तो उसका जवाब आप दो और मुझे बताओ, ताकि हम निर्वाचन आयोग को अब इस बार शिकायत कर देंगे। तो इस बार मुझे विश्वास है कि वोट के रूप में जिताकर आशीर्वाद देगी तो अपना आप जवाब मिल जाएगा। छत्तीस कौम की बेटी है नसीम अख्तर, इन्होंने कहा कि जो काट की हांडी है ये बार बार नहीं चढ़ती,